किसके वजह से नहीं मिल पा रहा है, कौन इसके पीछे वजह? सर हॉस्पिटल में अब हम लोग बोलता है कागज जमा कीजिए, हम लोग कागज जमा कर रहे हैं लेकिन पैसा जा ही नहीं रहा है। वहाँ गांव से हम लोग को आदमी बोल रहा है तो आप लोग पैसा खा जाते हैं, आप लोग कम करने लायक नहीं है, पैसा दूसरे तीसरे जगह का पैसा दिला रहा, आप लोग पैसा नहीं दिला पा रहे, काहे कम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा के समाहरणालय परिसर में। इस वक्त हमारे पीछे सहिया दीदी लोग हैं और इन्हें क्या परेशानी, हम इनसे जानते हैं कि किस बात को लेके ये यहाँ पे मौजूद हैं। क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को? सरौनी में हम लोग जो जेसुआ का अथी कराते हैं, जेसुआ का पेमेंट हो जाता है और हम लोग का बोलता है कि हाँ लाभार्थी का हो जाता है और सैया का बोलती है एनम दीदी सबकी, हम नहीं जानते हैं तुम लोग का होगा पेमेंट या नहीं होगा, हमको मतलब नहीं है, तुम लोग खुद अपने से कराओ जमा जाएगी। कितना मतलब कितना प्रोत्साहन राशि मिलता है आप लोगों को? 300 पर पेशेंट। हाँ, पर पेशेंट। कब से रोका गया ये पैसा? 2013 से। 2013 से रोका। हाँ। कैसे घर चल रहा है आप लोगों का? यही महीना वाला कभी कभी मिलता है तो अपना अपना हस्बैंड भी काम करते हैं, घर में खेती भी करते हैं और कुछ काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, एगो थोड़ी हो सैया का काम लेकर के हम लोग रहते हैं। मेरा हस्बैंड खिलाता है किसी तरह। हाँ बोलो। हाँ हम लोग कमाते हैं कि नहीं, छोड़ दो काम। आप सबके साथ यही प्रॉब्लम है? NCPNC का पैसा 2016 से कागज लेके आते हैं और घूम के चले जाते हैं, जाते हैं आते हैं घूम के चले आते हैं। लाभार्थी सब बोलती है कि सब तो सैया का खाता में पैसा चल गया, हम लोग को तो मिलबे करता है, सैया पैसा खाती है। क्या ये पैसा जो आता है सबसे पहले ये किनके अकाउंट में आता है? ये सबसे पहले लाभार्थी के अकाउंट में जैसे आएगा तो हम लोग के भी अकाउंट में आ जाएगा। और मेरे BSC सरौनी से है कि लाभार्थी के अकाउंट में चल जाता है, सैया का कुछ नहीं लिया जाता है। और सैया को ये पैसा किसके वजह से नहीं मिल पा रहा है, कौन इसके पीछे वजह? सर हॉस्पिटल में अब हम लोग बोलता है कागज जमा कीजिए, हम लोग कागज जमा कर रहे हैं लेकिन पैसा जा ही नहीं रहा है। वहाँ गांव से हम लोग को आदमी बोल रहा है तो आप लोग पैसा खा जाते हैं, आप लोग कम करने लायक नहीं है, पैसा दूसरे तीसरे जगह का पैसा दिला रहा है, आप लोग पैसा नहीं दिला पा रहे, काहे कम करते हैं? आप लोग कैसे जाएंगे आपके साथ में, कैसे NSB कराएंगे, कैसे बंध्याकरण करेंगे, कैसे जज्बा कराएंगे, कोई चीज़ का आप लोग भुगतान नहीं कर पाते, कागज नहीं जमा, आप लोग पैसा खा जाते हैं। हम लोग को तो गाँव का आदमी यही ना बोलता है, सर बोलता है आप लोग छोड़ दीजिए काम, आप लोग नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं दिला पा रहे हैं आप लोग। इसके इस मामले को लेकर किनसे मिल चुके हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत जगह मिले, कहीं कुछ नहीं हुआ, उसके बाद लास्ट आए यहाँ परवारी के पास, सबके पास तो जस्ट के अपना तो जो है बताइए रहे प्रॉब्लम। क्या नाम हुआ, नाम क्या? मेरा नाम रूबी देवी हुआ सर। कहाँ के रहने वाले? गोड्डा का। तो ये प्रॉब्लम जो आ रहा है सामने, अभी आप लोग DC ऑफिस में आए हुए हैं, DC सर से मिले, क्या बोले? तो बोला कि हम जाँच करते हैं, 4 दिन का टाइम लेते हैं, उसके बाद फिर जाँच करवाएंगे सबका। मतलब इससे पहले कब तक आप लोगों को पैसा मिलता रहा था और अब कब से बंद है पैसे? अब पेमेंट खाली महीना वाला जो 2000 मिलता था ना, वो दिसंबर तक दिया था, फिर जनवरी से बंद कर दिया है। सबको नहीं मिला है, कहीं कहीं मिला है, कल कोनो क्लस्टर में सबका नाम जनवरी से। क्या नाम हुआ आपका? डोली देवी। प्रोत्साहन राशि मांग, प्रोत्साहन राशि को लेकर अभी वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, 2013 से नहीं मिल रहा है हम लोगों को NCPNC वाला पैसा सब। ठीक है, तो क्या अभी जो DC महोदय जो आप लोगों को बोले उससे आप लोग कितने संतुष्ट? हम लोग अभी संतुष्ट नहीं है, 4 दिन के बाद जब तक हम लोग को नहीं हुआ। सर बोले हैं ना कि जांच करके बताएंगे, तब जब भी बताएंगे नहीं होगा तो फिर हम लोग यहाँ आएंगे सर के पास, नहीं होगा उससे भी नहीं होगा तो लाभार्थी को लाएंगे। किस किस कहाँ कहाँ पे आप लोग अभी पोस्टेड हैं इस वक्त? हम लोग सदर अपना गांव में काम करते हैं, गांव से सदर अस्पताल पेशेंट लेके डिलीवरी कराने लाते हैं और गांव में जो घर घर TB खोज लेप्रोसी खोज होता है वो सब का भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। काम कराने के समय बोलता है काम कीजिए पैसा मिलेगा, 5 बार हो गया कालाजार खोज और 1 बार का भी पैसा नहीं मिला है। लाभार्थी को पैसा मिलने में कितना वक्त लगता है, कितने वक्त में लाभार्थी तक पैसा पहुँचा? पहले शुरू में तो बहुत जल्दी मिलता था, अब तो खैर क्या बोलेंगे, अब तो बोला ही नहीं जा रहा है, बहुत दिन से नहीं मिला है। और गाँव में लाज लगता है जैसे कर्जा खाएँ, ऐसे बोलती है नहीं दिले भा खाए गल पैसा खाए गल खाए खत्म कर दिलो। एक तो आप लोगों को पैसा मिल भी नहीं रहा है प्रोत्साहन राशि ऊपर से, बात सुनना पड़ता है गांव वाला का भी बात सुनना पड़ता है। राशि मिल रहा था पहले सर इधर 18, 16, 16, 18 से एक भी नहीं मिला है, जिसको बोलते हैं तो बोलता है पैसे नहीं है, बड़ा बाबू कुछ कुछ को दे देता है, हम लोग सब सैया जितना आए हैं और सैया किसी को नहीं मिला है। और NCPNC जब से लागू है आज तक हम लोग कसम खोने के लिए नहीं जानते सदर प्रखंड से पैसा, बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि ये इसका बदली हो गया उसका बदली हो गया, सबका बदली होता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो गाँव से बदली नहीं, लाभार्थी सब भी हम लोग को तंग करता है, लाभार्थी को भी
जो 1400 राशि रुपया मिलना है वो भी नहीं मिला है आज तक। पर सर हम लोग सर सीएस सर से भी मिले हैं, उनका प्रतिलिपि है, प्रभारी सर से मिले हैं, सदर अस्पताल में सबसे मिले हैं, वो लोग तो कुछ ना लिखी लेते हैं ना देते हैं, ना हम लोग का बात सुनते हैं। आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, यही करके छोड़ देते हैं। अभी सर हम लोग हार फार के डीसी सर के पास आए हैं और जहाँ बोलते हैं जाओ डीसी के पास, यही धमकी हम लोग को मिलता है। तो सुना आपने, ये परेशानियां हैं सैया दीदी सबके साथ और उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पे कुछ छोटी एक रकम मिलती है, 200-300 रुपए पर पेशेंट मिलता है और उसमें भी इनके पैसे को रोक दिया गया है। और इस मामले को लेकर ये डीसी महोदय से मिले और उनसे क्या इन्हें प्रोत्साहन मिला है या फिर उनसे क्या इन्हें क्या कहा गया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें एक्सप्रेस न्यूज़। अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में सीएसपी खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल, डीटीएच और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15,000-20,000 तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो सीएसपी आईडी के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।